हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं अभी जैसे भी आया हूँ ऑफिस में, मैं अपना बैंगलोर में उसके बारे में बात करने के लिए। सर ये बताइए, अभी आप लोगों के पूरा ब्लेम जो वायलेंस है बैंगलोर का, पूरे एसडीपीआई के ऊपर, इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली ये एसडीपी का नहीं है, बीजेपी का गेम है। बीजेपी इसका पीछे है, दिस इज कॉन्स्पिरेसी ऑफ बीजेपी। एक्चुअली उधर एक दलित मुस्लिम वोट बैंक है, 80,000 से ज्यादा वोट में एमएलए जीत गया था। वो बैंक वोट बैंक को तोड़ने के लिए आने वाले बीपी एमपी इलेक्शन में कॉर्पोरेट जीतने के लिए बीजेपी नवीन जैसा दलित लड़का को यूज करके इस तरह का हंगामा, इतना का बहुत बड़ा एक बहाल चलाया, तो बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी वोट बैंक की वजह से। लेकिन बात यह है कि ये क्या कुछ प्रूफ है कि नवीन बीजेपी के साथ मिला हुआ था और मिल के ऐसा कुछ? नवीन बीजेपी के लोगों के साथ है, आरएस के लोगों के साथ है बोलकर बहुत सारे फोटोज हमारे पास है, वी आर कलेक्टिंग इट। तो अभी जो आपके मेन अक्यूज डाला जा रहा है मुजरिम साहब, तो इन्होंने जाके कंप्लेन किया, तो कंप्लेन करने में ये बात सामने आई कि 10 या 15 लोगों के साथ ये गए थे, तो इतनी जल्दी इतनी भीड़ बाहर कैसे जमा? वो भीड़ों से पूछना है हमारा, हम लोग उसको मालूम नहीं है, क्योंकि वो केजी हैली डीजे हैली मुस्लिम पॉकेट है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वो। उधर एक दिन पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना तौहीन का एक मैसेज आने के टाइम में, क्या वो एक दिन बहुत कम वक्त है क्या? इतना बड़ा वक्त है, वो बहुत स्प्रेड हो गया है। लोग देखो, मस्जिद गिराए तो बर्दाश्त करेंगे, जान गए तो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीन करते हैं कोई दुनिया के अंदर कहां भी नहीं है बर्दाश्त करने का, तो ऑटोमेटिकली लोगों को ऐसा माहौल आ गया, ऑटोमेटिकली दे गैदर्ड देयर। So why the media people are asking us? We are not responsible for that. तो अभी ये बताइए कि एक खबर अभी आई कि कुछ आईटी के बंदे जो कि वाइट फील्ड में काम करते हैं, डीजीएलए के पुलिस स्टेशन के सामने उनका घर था, उसमें 15 लोगों को आज सुबह 4:30 बजे गिरफ्तार किया गया, और उसमें ये कहा गया उस बिल्डिंग में एसडीपीआई का भी एक बंदा रहता था, तो वो 15 लड़के और एसडीपीआई का एक बंदा, जो इस तरह की हरकतें हो रही है जहाँ पे आपके लोग मौजूद है उसके साथ दूसरे बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो ये हर एक जब इस तरह का घटना होता है, पुलिस का एक क्या है, इनोसेंट एंड नॉन इनोसेंट, जिन लोग इसमें शिरकत हुई है सब लोगों को लेके जाने की एक आदत है, वो जैसा मंगलोर में भी हुआ, आम तौर पर लोगों को लेके जाता है, वो इन्वॉल्व है पुलिस, उनको लोग होना, आदमी होना, हेडकाउंट होना, और वो मुसलमान हो तो बस है। लेकिन जो इस तरह की हरकतें, तो ये आग लगा देना, उनकी गाड़ियों को नुकसान करना, किस लोगों ने किया? ये बहुत बड़ा बदतमीजी है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, कंडेम करेंगे। कानून को हाथ में लेने का क्या भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा है वो, उसको सजा होना, हम कंडेम भी करते हैं। आपको क्या लगता है किसने किया ये? आपने किया नहीं, कांग्रेस ने किया नहीं, बीजेपी किया नहीं, तो ये किया किसने से, उसका जवाब देने से क्या वजह से ये हुआ बोलकर पूछना बेहतर है, क्योंकि अगर पुलिस वाले करेक्ट एक्शन लेता तो ये कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस का फेलियर का वजह से हुआ, इंटेलिजेंस को मालूम है कितने दिन से ये चला रहा है बोलकर, ये नवीन का बहुत दिन से चला रहा है, वो मालूम है उनको, फिर भी एक्शन नहीं लिया। उसके बाद कंप्लेंट दर्ज करने के बाद भी 3-4 घंटे के बाद भी अरेस्ट नहीं हुआ, पूरा सिलगने के बाद पुलिस वाले लेके आए, तो क्या होता है, ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है। ये हंगामा से कितना देर पहले एसडीपीआई ने कंप्लेंट दिया? एक्चुअली कंप्लेंट वाज लॉज्ड एट 5:30 को मालूम हो गया, 7:00 को कंप्लेंट करने के लिए गए। तो जब ये हंगामा चल रहा था, एसडीपीआई के लोग वहां थे रोकने के लिए आपके हमारे पास मौजूद है वीडियो, और बहुत वायरल हो गया है, बहुत सारे वीडियो है, उसमें हमारा जो मुजम्मिल पाशा जो है वो पुलिस का एड्रेस सिस्टम को लेके उनको इतने अच्छी तरह समझाते हैं। देखो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ कानून है, कानून को इदारे में हमें चलना है, यहाँ जो पुलिस सिस्टम है उनके साथ हमारे कॉन्टेक्ट में, हम लोग एक्शन लेते हैं बोलकर हमारे को कन्विंस किया है, आप लोग बहुत शांत हो जाइए, बहुत लोग इस तरह का कन्विंस कर रहा था, वो उधर मौलाना भी उनके साथ मौजूद था, पुलिस भी था। तो अगर जो आप कह रहे हैं वो सच्चाई है, फिर मुजम्मिल को मेल अक्यूज क्यों कर रहा है? क्यों कर रहे हैं? मतलब गवर्नमेंट बीजेपी का है ना, हमें बीजेपी के दुश्मन है उन लोग ऐसे, क्योंकि हर एक फैसिज्म का, आरएसएस का, हिंदुत्व जो पॉलिटिक्स चल रहा है इधर, फैसिज्म चल रहा है उसको पूरे देश के अंदर उसको मुसम्मत करने वाला, प्रोटेस्ट करने वाला हम ही है, हमारे जैसे कोई भी नहीं करता, वो हम ये अहंकार का बात नहीं है, ये सच्चाई है। तो उनका जो हिंदुत्व का जो फास्ट स्पीड है ना, उसको हमें बहुत बड़ा रुकावट है, तो इसको मिटाना है ना, इसके लिए हर हमेशा हमारे नाम को लेके आता है। तो आगे आपका क्या रोल है?
आगे इंशाल्लाह लड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, डेमोक्रेसी है, अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा बना के दिया है, उसमें पूरा हमारा प्रिविलेज है, राइट्स है, उसके साथ साथ हमें लड़ेंगे। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।